हेलो गाइस, आज हम हमारा यूट्यूब चैनल चालू कर रहे हैं। आशा है कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा। और पहला वीडियो हम अपने शहर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा शहर का एक डैम है, धोली तजा डैम। वहाँ से लेके हम स्टार्ट करेंगे। उसका कुछ इम्पोर्टेंस है वो आप सबको वहाँ जाके बताएंगे, क्योंकि हमारा गाँव, हमारा शहर है वे गुजरात के मध्य में आता है और सबसे ऊँचाई पर आता है, इसलिए यहाँ पानी पहुँचाना बहुत ही मुश्किल काम है। सरकार ने एक पंपिंग स्टेशन लगाया है पानी पहुँचाने के लिए। तो पंपिंग स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन है, उसको दिखाने के लिए हम आज वहाँ जाएंगे और ब्लॉग बनाएंगे। बाद में आप पूरे पूरा वीडियो देखना और बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा। हम आ चुके हैं अभी जो धोली तजा डैम की नहर है। हमने आपको अगले वीडियो में दिखाया था कि जो पंपिंग स्टेशन है एशिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन है। तो ये सामने देख सकते हैं पंपिंग स्टेशन है, एशिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन है। और ये डैम नहीं है, ये केनाल है। जो नर्मदा नदी है गुजरात की, गंगा मैया कहलाती जाती है, इसकी जो नहर है इसका पानी सुरेंद्रनगर तक पहुँचाने के लिए पंपिंग स्टेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये शहर सबसे ऊँचा है और गुजरात के मध्य में आता है, इसलिए इस यहाँ गांव तक पानी पहुंचाने के लिए एक पंपिंग स्टेशन की ज़रूरत पूरी पूरी होती है। इसलिए हमने ये पंपिंग स्टेशन दिखाया और एशिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन है। और यहाँ देख सकते हैं कि हमारा गांव दूर दूर तक दिखता है। ये सामने दिख रहे वो आवास योजना का मकान है जो अभी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और ये छोटा सा गाँव वड़नगर है, यहाँ से हमारा सिटी तकरीबन 5 किलोमीटर होता है। लेकिन ये नहर है, इसी एक ही स्रोत है जो गाँव के लोगों को पानी का स्रोत मिलता है। बाकी यहाँ कोई नदी ऐसी नहीं है कि हम इससे पानी पी सकते हैं। तो ये नहर है, ये हमारे जीवन दूरी की समान है। अभी हम आगे जाके आपको दिखाते हैं कि डैम है वो डैम का स्ट्रक्चर कैसा है। और डैम की साइड में ऐसे एम्यूजमेंट एक पार्क बनाया जाता है, तो हम ये आपको स्थान भी दिखाते हैं कि कहाँ पर ये पड़ता है। यार देख सकते हैं इसके 6 दरवाजे है, 1 2 3 4 5 6 तक के दरवाजे। और इसकी मैकेनिज्म है, हम ज़्यादा जब बारिश होती है के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि बाढ़ ना आए, इसलिए ये इसकी मैकेनिज्म है। यहाँ एक चाबी लगा कर ये इसको घुमाते हैं, इससे दरवाजा अप और डाउन होता है और खुलता और बंद होता है। और एक इतने साइज का खोलना है, ये यहाँ पर देख सकते है ये 0 से लेकर 5.6 फीट तक खुलता है। अभी पूरे पूरा क्लोज है, यहाँ तकरीबन यहाँ आता है तो 2 फीट तक दरवाजा खुला है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते है। तो इसका मीटर है। और ये 6 दरवाजे अभी सभी क्लोज है। जब ज्यादा बारिश होती है तो 2 दरवाजे 3 दरवाजे ऐसे खोल दिए जाते हैं। और आगे जाके हम आपको पानी दिखाते हैं कैसे नहर से डैम में पानी जाता हुआ। देख सकते हैं कि अभी दरवाजा बंद है, फिर भी इतना मोटर से पानी आ रहा है। इसके एक ही रीजन है कि हमें पंपिंग स्टेशन से पंप होकर पानी आ रहा है, इसलिए इतना मोटर से पानी आ रहा है और सभी पानी ये सीधे के सीधा डैम में चला जाता है। अब हम आ चुके हैं धोली तजा डैम पर। आगे जो हमने देखा वो नहर थी नर्मदा की। तो ये आप सब देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा बढ़िया सा डैम है। और इसका पानी है वो सीधे सीधा यहाँ से नायका चला जाता है, जो चोटीला के पास पड़ता है। तो ये डैम बहुत ही बड़ा है और यहाँ जो नहर आगे हमने देखी थी और उसका पानी यहाँ ही आके मिलता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं सामने वो महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे दर शिवरात्रि पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है, बहुत ही पूरे आसपास के गाँव के लोग भी यहाँ मेला में आते हैं। और ये सामने जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक एम्यूजमेंट पार्क बनने वाला था और अभी सरकार ने उसकी सब वो नक्शा वगैरह सब डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ से सब फिशिंग बोटिंग सब चालू होने वाला है, इसलिए एक शहर के लिए एक बड़ा सा पर्यटन स्थल ये डैम बन सकता है। और सामने हम देख सकते हैं तो वहाँ पर एक त्रिमंदिर है, जो दादा भगवान का मंदिर है, वो सामने की ओर पड़ता है। तो वहाँ पर भी लोग बहुत ही बार घूमने के लिए सैटरडे संडे को जाते हुए हैं। और गाँव के आजू बाजू के जो छोटे छोटे गाँव वाले लोग हैं, यहाँ फिशिंग करने के लिए भी आते हैं। तो ये डैम है,
ये आजू बाजू के 7 से 8 गांव के लिए एक जीवा दूरी समान है और शहर के लोग यहाँ सैटरडे संडे में यहाँ घूमने भी आते हैं और फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप सब बताना कि हमें क्या गलती की है वीडियो में, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम नए वीडियो बना सकें।